संगीत से तो सभी जुड़े होते हैं, मगर कई बार जीवन की व्यस्तता में अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते और अरमान दिल में दबे रह जाते हैं। मगर जब जिंदगी के कामों से फुर्सत मिलती है, तब आपको आपके शौक को पूरा करने के लिए कुछ सहारा मिल जाए तो आपके जीवन की सबसे बड़ा सुख होता है। जी हाँ, मनभावन संस्था भी संगीत प्रेमियों के लिए एक सहारा बन चुकी है, जो उम्र के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, लोगों को संगीत सिखाती है। इन्हीं सिंगर ने जब सदाबहार फिल्मी गीतों की शाम सुरमई कर दी तो श्रोता झूम उठे। बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं, मगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो वही सिंगर मंच पर बेहतरीन प्रस्तुति देने वाला सिंगर बन जाता है। मनभावन संस्था के अध्यक्ष अशोक सिंह भी सालों से उन लोगों को संगीत सिखा रहे हैं जो जिंदगी की व्यस्तताओं में गाना भूल चुके थे, मगर अरमान जिंदा थे। अशोक सिंह संगीत प्रेमियों को सिखाते ही नहीं, बल्कि उन्हें सालों से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच भी मुहैया कराते हैं। रविन भवन में मनभावन संस्था द्वारा संगीतमय शाम गाने सुहाने का आयोजन किया गया। हमारी ये संस्था जो है मनभावन, हर साल एक प्रोग्राम करती है। संस्था में बहुत सारे ऐसे लोग सीखते हैं जो अपने जीवन में संगीत को बहुत महत्व देते थे लेकिन कर नहीं पाए कुछ। धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ता गया और वो अपने दूसरे कामों के साथ साथ संगीत सीखने लगे। कुछ लोग रिटायर हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने कामों से थोड़ा सा निवृत्त हो गए हैं, उन्होंने संगीत को फिर से अपना लिया है। और अभी धीरे धीरे ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग संगीत सीख रहे हैं। मन भावन संस्था की संगीतमय शाम के गाने सुहाने कार्यक्रम में श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने सिंगरों का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस संगीतमय शाम के मुख्य अतिथि IPS महान भारत सागर और श्रीमती मुंजला रतन सागर थी। आज ये मन भावन संस्था के द्वारा ये जो गाने सुहाने कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे भाई अशोक सिंह जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, वो इसमें बहुत रुचि लेकर के, और उन्होंने एक स्कूल बना रखा है जिसमें कि वो सभी वर्ग के, मतलब कि छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु से, इवन 70 वर्ष की आयु तक के लोगों को इसमें सिंगिंग में प्रशिक्षण देते हैं। और सिंगिंग एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो उसको उसमें बहुत आनंद आता है।